हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट में किसी मोबाइल के लिए प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार इसको रन करके दिखला देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से इसकी हेडिंग दिखलाई देगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे रियलमी नार्जो 30 एक मोबाइल का नाम है। यहाँ पे एक टैग लाइन ऐड की है, यहाँ पे फील रियल लाइफ, तो आप भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसके बाद क्लिक किया। इसके बाद उसका पूरा मतलब कि कलर, सेंसर, कैमरा, ये सारी चीज़ दिखलाई दे रही है। बैकग्राउंड हम खुद से क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आ गया मेमोरी। मेमोरी की बात करते हैं, जब भी हम मोबाइल वगैरह ख़रीदते हैं या किसी प्रकार का रिव्यू देंगे, कोई भी अगर यूट्यूब में देता है तो ये सारी चीज़ें बतलाते। तो मैंने ये क्लिक किया तो ये किस तरीके से आ रहा कि इसकी कितनी मेमोरी है। फिर क्लिक किया तो ये इंटरनल बतला रहा। इसके बाद क्लिक किया तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे मतलब कि ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेमोरी ज़्यादा है तो आप बहुत सारा स्टोरेज यहाँ पे स्टोर कर सकते हो इस मोबाइल में। नेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पे टॉपिक आ रहा है, यहाँ पे कैमरा, कैमरा के बारे में बतलाया। तो ये किस तरीके से आ रहा, इमेज कैसे लगाई, ये सब ये कैसे हो रहा, ये सारी चीज़ सीखेंगे यहाँ पर। फिर मैंने क्लिक किया तो ये नेक्स्ट आ गया। लास्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो, ये किसके बारे में बतला रहा है। यहाँ पर मीडिया टैक हीलियो G95 प्रोसेसर है इस नार्जो 30 मोबाइल में। फिर क्लिक किया तो इसमें किसके बारे में बतलाने लगा, डिस्प्ले के बारे में बतलाने लगा। क्लिक किया तो उसकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर बतलाने लगा। फिर क्लिक किया तो उसका कलर दिखला रहा है, ये कलर आ गए। ये सारी चीज़ कैसे वर्क कर रही है, इसको कैसे बनाया गया है, तो चलिए हम समझते इसको कैसे बना सकते हैं खुद से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करा लेता हूँ, जैसे मेरे मोबाइल का नाम है Realme Narzo 30, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये नाम दे दिया Realme Narzo 30। अब ये आपका हेडिंग है, आपका टाइटल है, तो थोड़ा सा अलग देखे, तो मैं यहाँ पे जा कर के इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपर ब्लैक कर लिया, साइज़ को इनक्रीज़ कर लिया इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब आपको टैग लाइन देनी है तो आप दे सकते हो, उसका सब टाइटल अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। चलो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सब टाइटल, यहाँ पर जा कर के मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, यहाँ पर फील रियल लाइव, इस तरीके से एक टैग लाइन दे दी। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने ये फॉन्ट इसका चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एक नई स्लाइड आ जाएगी इस प्रकार से। अब हमें ये बॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो इन सबको आप डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है जिसमें सारी इमेज हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में, पिक्चर में जाता हूँ। मेरे पास ये पिक्चर पहले से है, आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे उसको पहले से पिक्चर एक साथ रखें एक फोल्डर में, ताकि बाद में दिक्कत ना जाए। इसको मैंने इंसर्ट में क्लिक किया तो ये सारी इमेज इस तरीके से आ गई। अब इनको ऐसा जमाना है कि सारी एक साथ दिखलाई दे, तो मैं इसको यहाँ पर कहीं रख लेता हूँ। इस तरीके से आगे पीछे करेंगे तो ये सारी चीज़ जम जाएंगी। इस प्रकार से मैंने इसको चेंज कर लिया, इसको यहाँ रख लिया, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ आपको एक साथ डिस्प्ले कराना, इस तरीके से लगभग ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे। ये इस तरीके से एक बैकग्राउंड आपको क्रिएट करना है कुछ इस प्रकार से। तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, ये ठीक है। इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ क्योंकि पीछे जा रही जो भी इमेज आपकी पीछे जाए उसमें राइट क्लिक करो, यहाँ पर जाओ फ्रंट में और यहाँ पर कर दो ब्रिंग टू फ्रंट, ये सामने दिखलाई देने लगी। ये लगभग अब आपको सारी इमेज आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं एक साथ। तो एक बैकग्राउंड की तरह ये अपन ने इस तरीके से बैकग्राउंड बनाया, ये बैकग्राउंड की तरह आपको दिखलाई देने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, नई स्लाइड बनाना। तो फिर से आपको इंटर प्रेस करना है, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल ऐड कराना है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेमोरी। मेमोरी मैंने ऐड करा लिया। अब ये टाइटल है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखलाई दे, तो मैंने यहाँ पर कर लिया कॉपर ब्लैक। साइज़ को मैंने इंक्रीज़ कर लिया, इसको सेंटर अलाइन कर लिया, इस तरीके से आप देख पा रहे हो इस तरीके से। अब यहाँ पे मेमोरी, इस मोबाइल की मेमोरी कितनी है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 6 GB इस मोबाइल की रैम है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ GB रैम, एंटर। अब इसके बाद यहाँ पे एक और फीचर है इसमें, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 5 GB, मैंने ये टाइप किया 5 GB एक्सपेंसन, एंटर। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना है इसकी इंटरनल कितनी है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 128 मतलब कि 128 GB इसकी इंटरनल है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया GB इंटरनल। मैंने ये टाइप कर लिया और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं 512 GB तक आप इसको बढ़ा सकते हो, तो मैंने ये टाइप कर लिया इस तरीके से।
अब यहाँ पे इमेज ऐड कराना है तो आप यहाँ पे जाएंगे इनसाइट में, इमेज में जाएंगे। अब ये इमेज मेरे को ऐड करानी है, मैंने इसको इनसाइट कर लिया। जो भी आपको इमेज यूज़ करना पहले से आप उसको पहले से रखें। इसके बाद इसको मैं जाता हूँ क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इतना एरिया नहीं चाहिए। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और क्रॉप मैंने क्लिक कर दिया और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ, जो भी आपको रखे वो आप रख सकते हो। मैंने ये फॉन्ट रख लिया और यहाँ से बोल्ड कर लिया इस तरीके से, ये दिखलाई दे रहा। और इसको आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जैसा आपको सही लगे इस तरीके से। अब आपको फिर नेक्स्ट इंटर करना है। अब यहाँ पे ऐड कराना है कैमरा, इसके कैमरा कितने हैं तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कैमरा। इस तरीके से मैंने ऐड किया। अब ये हेडिंग है तो हेडिंग आप सेलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। कोशिश करना जो भी आप हेडिंग बनाएं उनका फॉन्ट एक सा ही रखें और साइज़ भी एक सा रखें। अभी मैं अंदाज़ से इस तरीके से कर दे रहा हूँ लेकिन आपको कंफर्म रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की बात की जा रही तो यहाँ पे आपको टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 16 मेगापिक्सल आपका फ्रंट कैमरा है, तो मैंने ये टाइप कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 48+2+2 आपका रियर कैमरा है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ रियर। मैंने ये टाइप कर लिया इस तरीके से। अब इसको आपको इंटर के द्वारा गैप रखना है इस तरीके से। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बोल्ट कर लीजिए, साइज़ आपको जितना रखे उस तरीके से आप रख सकते हैं क्योंकि दो ही चीज़ें थोड़ा सा क्लियर दिखलाई दे, तो मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे को दो इमेज लगानी है। अगर कैमरा के बारे में बतला रहे तो कैमरा की इमेज होनी चाहिए आपकी यहाँ पर, तो चलो उसकी इमेज लेकर के आ जाते हैं। तो हम जाते इस वाली स्लाइड में, बैकग्राउंड वाली में। यहाँ पर देखना एक कैमरा की इमेज ये है, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर जाके पेस्ट कर लिया। अगर आपके पास कहीं और रखी है तो उसको लगा सकते, तो मान लो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद फ्रंट कैमरा की बात की गई है तो इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ। अभी मेरे पास ये क्लियर इमेज नहीं है फ्रंट कैमरा की, तो मैं इसको यूज़ करूँगा इस तरीके से। इसकी साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ लगभग इस तरीके से और इसको यहाँ कहीं इस तरीके से लगाऊँगा। और इसकी साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर लीजिए क्योंकि हम कैमरा की बात करें तो वो थोड़ा सा क्लियर दिखलाई दे इस तरीके से। अब ये वाले बॉक्स को आप इस तरीके से बीचों बीच रख सकते हैं इस प्रकार से। ये मैंने ऐड करा लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन टाइप करना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो मैंने ये टाइप कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पे इसका प्रोसेसर लिखना है, कौन सा प्रोसेसर है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मीडिया टेक हीलियो Z95। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ Z95 प्रोसेसर है, इंटर। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में, देना चाहता हूँ डिस्प्ले के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल HD+ डिस्प्ले, इंटर। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है स्क्रीन की साइज़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन साइज़ 6.5 इंच, इंटर। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड सेंसर, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड फिंगरप्रिंट, सेंसर। अब यहाँ पे कलर की बात कर लेते तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कलर। कलर मान लो यहाँ पे दो कलर अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशियन ब्लू कॉमा रेशियन सिल्वर, तो मैंने ये टाइप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे OS टाइप कर लेते हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसका, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है Android 11, इंटर। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका मतलब वेट कितना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 192 ग्राम का है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बैटरी टाइप करना, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बैटरी पावर 5000 mAh, मैंने ये टाइप कर लिया है, इंटर। अब मेरे को यहाँ पे टाइप करना है, आपको इसमें 30 वाट का चार्जर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 30 वाट चार्जर चार्ज, 30 वाट का आपको चार्जर मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे विथ 100% चार्जिंग इन 65 मिनट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मतलब ये कि आपका जो मोबाइल है अगर 0% है तो 60 मिनट के अंदर 65 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, इसमें ये फीचर है एक। अब यहाँ पे मेरे को इमेज लगानी है, जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं ये फीचर्स यहाँ पे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, इसकी हमें यहाँ पे इमेज देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट में चेंज कर लेता हूँ, जो आपको फॉन्ट लगे वो आप यहाँ पर टाइप कर लेना। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ
ये मैंने दिया और इसको मैंने बोल्ट कर लिया। इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ये एक प्रकार से टाइटल है हमारा, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते, कॉपर ब्लैक कर दिया, साइज़ को इंक्रीज कर लिया इस तरीके से, और इसको जा करके हमने कर लिया यहाँ पे सेंटर अलाइन कुछ इस तरीके से, मैंने ये कर लिया इस तरीके से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अभी लगभग ठीक है। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है और एनिमेशन अप्लाई करना, आप इसमें देंगे फ्लाइन इस तरीके से, इसके बाद इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से ये आएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ पे इमेज ऐड करना है, पहले यहाँ पे दिया है मीडिया टेक हीलियो Z95 एक प्रोसेसर है, उसकी इमेज लगाना है। तो आपको जाना है यहाँ पे, मेरे पास ये इमेज रखी है इसकी, इसी से यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इस तरीके से मैं लेकर के आ गया। अब आपको जाना है एनिमेशन में, इसको फ्लाइंग करेंगे और इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से कर देंगे फ्रॉम राइट इस तरीके से, क्लियर। नेक्स्ट चलते अगले में, यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले की इमेज में यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इस इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, और आपको इमेज ऐसी लगानी कि जो पीछे जो लगी है इमेज वो कवर हो जाए, ठीक है। ये इमेज सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप जाइए इसमें फ्लाइन लगाएंगे, इसको भी जा करके आपको कर देना है यहाँ से फ्रॉम राइट इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें बात की गई है फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो उसकी इमेज भी मेरे पास है, ये कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया इस तरीके से, और इसी के ऊपर लगाना है, ऐसा लगाना है कि कवर हो जाए। तो पीछे वाली जो इमेज है उसको मैं और छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और इसको आपको प्रॉपर करना है कि आपको बैक की इमेज दिखलाई ना दे, इसको भी आप इसकी साइज़ ऐसा बड़ा करेंगे कि वो बिल्कुल भी दिखलाई ना दे, क्योंकि कवर करना है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, अब इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे ये ऊपर वाली इमेज को, इसमें भी फ्लाइन देंगे, ध्यान रखना हर बार ये रिपीट करना है आपको, और यहाँ से जाके फ्रॉम राइट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले, इसमें किसके बारे में बात की गई है, कलर के बारे में। तो इसकी यहाँ पे इमेज निकाल लेते हैं, ये दिया है पहले ब्लू कंट्रोल सी और यहाँ पे जा करके कंट्रोल वी, ये ब्लू कलर के बारे में बात की गई है। पहले यहाँ पे ब्लू कलर अवेलेबल है, फिर इसके बाद सिल्वर, तो पहले ब्लू की इमेज लगा लेते हैं इस तरीके से, छोटा कर लेते हैं इस तरीके से लगभग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दूसरे कलर की इमेज लेकर के आ जाती है, ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल सी किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट, और इसको इसके ऊपर लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि ये कवर हो जाए। अब तक तो आपको याद हो गया होगा क्या करना होगा, ठीक है, हर बार कवर करना होगा, नहीं तो वो बैक की इमेज दिखलाई देगी इस तरीके से। और इसकी साइज़ थोड़ा सा और छोटा करना होगा, तो आप इसको और छोटा कर लें, ये मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे किसके बारे में बतलाया है, इन चीज़ों के बारे में बतलाया है। तो ये हमारे पास अभी इमेज अवेलेबल नहीं है, तो इन चीज़ों को हम नहीं लगाएंगे। तो ये लास्ट वाली इमेज है, इसमें भी आप फ्लाइन जाएंगे, फ्लाइन अप्लाई करेंगे, इसके पीछे वाले में लगा है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, शायद नहीं लगा इसमें, इसको आपको यहाँ पर लगाना है, और इसमें जा करके इसमें फ्लाइन लगाइए पहले, इस वाले से पहले नन कर देना, ठीक है। इसको मैं नन करता हूँ, हमेशा लाइन से लगाते आना, पहले इसमें जाइए, इसको फ्लाइन लगाइए, ठीक है। और इसको आप यहाँ से जा करके क्या कर देंगे, यहाँ पे फ्रॉम राइट इसमें भी। अब ये इमेज लेकर के आएंगे आप, यहाँ पे इसको लगाएंगे और इसको भी कर देंगे आप यहाँ से फ्रॉम, ये फ्लाइन देना है और आप यहाँ पर जाएंगे, इसको कर देंगे फ्रॉम राइट। इतना क्लियर हो गया ना, अब इसको रन करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आपको जाना है, अच्छा सॉरी थोड़ा सा और बचा है हमारा, यहाँ पे जाकर के हमें ट्रांजिशन और लगाना है। तो मैं ये ट्रांजिशन लगा देता हूँ, इसमें क्लिक किया, इसमें ही मैंने यही लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी यही लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, तो ये एक से लगा दिए, आपको जो बेटर लगे इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब मेरे को एक चीज़ और लगाना है यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन ये कैसे आए, इसको ही मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको जाना है यहाँ पे फिर से, यहाँ पे एनिमेशन में, इसमें भी फ्लाइन देंगे, बट यहाँ पे जाकर के इसको कर लेंगे फ्रॉम लेफ्ट, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिखलाई देगा। इसकी साइज़ मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस है मेरे पास, तो ये मैंने इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे आ जाते कैमरा, इसको ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं इस तरीके से, ये लगभग ठीक है। इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर करना है, इस तरीके से दिखलाई दे, ये भी ठीक है। अब लेकिन इसमें भी आप क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फ्लाइन में जाना है, इस तरीके से आए, इनकी डायरेक्शन ठीक है। फिर उसके बाद ये आए, पहले किसके बारे में बात की गई है, फ्रंट कैमरा, तो पहले ये इमेज आए, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे फिर से एनिमेशन में, इसको ही फ्लाइन देंगे, ये ठीक है इस तरीके से। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ये वाला तो ऑलरेडी बन गया, तो लगभग आप समझ गए कैसे बनाना। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ चेंज, ये हो गया है। अब आपको इसको रन करना है, तो आपको जाना होगा, मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, आप जाएंगे यहाँ पे स्लाइड शो में, फ्रॉम बिगिनिंग में आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 30 के बारे में।
तो इस तरीके से ये इमेज दिखलाई दे रही है, इसका बैकग्राउंड, इसको मैं क्लिक करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी नार्जो 30 की मेमोरी के बारे में। तो इसमें है 6 GB रैम मेमोरी है, इसमें आपको मिलेगी 5 GB तक आप एक्सपेंशन कर सकते हो, मतलब कि जो रैम है उसको आप बढ़ा सकते हैं, इसमें ये फीचर अवेलेबल है। इसके बाद इस इंटरनल की बात करें तो 128 GB इंटरनल है, आपको इसमें 500 GB तक आप इस मेमोरी को बढ़ा सकते हो। इसके बाद मैंने नेक्स्ट मैंने क्लिक किया तो ये कैमरा आ गया। मैंने ये क्लिक किया तो आपका जो फ्रंट कैमरा 16 MP का है और जो आपका रियर कैमरा है वो आपका है 48+2+2। तो ये आपका फ्रंट कैमरा ये दिखलाई देगा इस तरीके से आपके साइड में है, और आपका जो यहाँ पर रियर कैमरा है वहाँ पे ट्रिपल आपको कैमरा मिलेंगे जिसमें 48 MP का रहेगा, 2+2 के दो कैमरा और रहेंगे, और साथ में आपको फ्लैश लाइट मिलेगी आपको बैक में। मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर, आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, स्क्रीन साइज़ आपकी इतनी रहेगी, इसमें फिंगरप्रिंट मिलेगा, कलर दो अवेलेबल हैं इसमें, आपको यहाँ पे OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इसके वेट की बात करें तो 192 ग्राम का आपका है, और यहाँ पे बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ पे सॉरी ये मिस हो गया मेरे हाथ, यहाँ पे 5000 mAh है, ठीक है, 5000 mAh का बैटरा मिल जाएगा आपको, जो कि आपको नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको 30 वाट का चार्जर मिलेगा, जो कि आपका जो 65 मिनट्स के अंदर आपकी अगर 0% बैटरी तो वो बिल्कुल 100% कर देगा, फुल कर देगा, मतलब कि चार्जर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब ये इमेज थोड़ा लेट आ रही, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, और इन सब में जो मैंने एनिमेशन अप्लाई किए हैं तो मैं यहाँ पे जाके इसको आपको कर देना है, यहाँ पे जा करके नन, ये सारे नन कर देना, ठीक है। अब इसको रन करते वापस से यहाँ पे जा करके ये मैं आगे आ जाता हूँ, क्लिक क्लिक क्लिक, ये सारी चीज़ मैं आगे कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच चुका था, ये मैंने क्लिक किया। अब ये पहले से डिस्प्ले होगा इस तरीके से, मेरे को चाहिए था मैंने ये लगा दिया था, तो आप भी हटा सकते हो। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे MediaTek Helio G95 प्रोसेसर इसमें मिलेगा, तो ये इमेज आ रही है, फिर मैं क्लिक करूँगा तो उसकी डिस्प्ले की इमेज आएगी, फिर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट के बारे में बतला रहा कि आपको यहाँ पे साइड सेंसर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आप कैसे जमा सकते हो आपने क्लियरली सीखा इस वीडियो में। तो इस तरीके से आपने कम्प्लीटली सीखा कि कैसे हम किसी मोबाइल का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो उसको कैसे बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, या लैपटॉप वगैरह है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।